व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई क्रोमियम विथ सीओ लिगेंड? कार्बन मोनोक्साइड अगर लिगेंड रहेगा तो क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका क्या ज्योमेट्री होगा? जितना कुछ लिखा हुआ है उतना ही इंफॉर्मेशन सफिशियंट है, इतना सही आंसर करना है तुमको। ये तो बड़े आराम से बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है मतलब मेटल कार्बोनाइल बनेगा क्रोमियम का सीओ के साथ, मेटल कार्बोनाइल। और मेटल कार्बोनाइल में ई ए एन रूल फॉलो होता है, इफेक्टिव एटोमिक नंबर कितना होना चाहिए? 36। तो क्रोमियम, क्रोमियम का एटोमिक नंबर कितना है? एटोमिक नंबर 36। चलो जितना बोल दिए इतना हिंट है, अब बनाओ। देखो रिकॉर्डिंग को हम वो पॉज कर दिए थे तो हम फिर से बोल देते हैं, तुम लोग को सुन ही लिए हो, फिर से हम बोलते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, क्रोमियम और सीओ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका मतलब मेटल कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल ई ए एन रूल फॉलो करता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करता है, मतलब इस 24 को होना चाहिए 36। 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, 6 लिगेंड रहेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इसका मतलब क्रोमियम के साथ 6 कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा, CrCO6। और क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड के केस में एक ही ज्योमेट्री होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज। दो तरह का आइसोमर्स होगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा आइसोमेरिज पे हम बात नहीं करेंगे कि आइसोमर्स बोलते किसको है, क्या होता है, ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। तो आइसोमेरिज या आइसोमेरिज फेनोमिना को बोलते हैं और आइसोमर्स जो कंपाउंड होगा उसको आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमेरिज या आइसोमर्स दो टाइप का होगा, आइसोमर्स बोलेंगे तो दो टाइप का आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। और आइसोमेरिज बोलेंगे तो दो तरह का आइसोमेरिज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड स्टीरियो आइसोमेरिज। तो आइसोमेरिज के जगह पे हम आइसोमर्स ही लिख दे अगर, आइसोमर्स दो तरह का होगा, एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर हम बात करें तो चार टाइप का होता है। पहला आयनाइजेशन आइसोमर्स, दूसरा लिंकेज आइसोमर्स, तीसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, एंड चौथा हाइड्रेट आइसोमर्स। चार तरह का ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप का, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिटेल में देखते हैं। अच्छा आइसोमर्स बोलते किसको हम, आइसोमर्स होता क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी अगर ऐसा रहे तो हम बोलेंगे वो दोनों कंपाउंड आइसोमर्स है। से मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, कम से कम एक प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर अलग होने के वजह से हुआ तो उस दोनों कंपाउंड को स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर तो दोनों कंपाउंड का सेम है, स्पेशियल ओरिएंटेशन अलग अलग है, स्ट्रक्चर सेम हुआ मतलब कनेक्टिविटी सेम है
स्पेशल अरेंजमेंट केवल अलग है, तो वैसे केस में स्पेशल सॉरी फिर से बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तब बोलेंगे जब दो मोलेक्यूल में कनेक्टिविटी पैटर्न अलग है, तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। मतलब कनेक्टिविटी पैटर्न अलग होना चाहिए और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कनेक्टिविटी पैटर्न सेम हो, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम हो और फिर भी प्रॉपर्टी अलग हो, तो वो प्रॉपर्टी अलग होगा स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होने की वजह से। मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होने के वजह से जो आइसोमर्स बनेगा उसको स्टीरियो आइसोमर्स, और कनेक्टिविटी पैटर्न अलग होने के वजह से जो आइसोमर्स बनेगा उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, ऐसा हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो गई। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स किसको बोलेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आयनाइजेशन आइसोमर्स को हम देखते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर्स पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, सबको मेरी आवाज मिल रहा है, सुन रहे हो सब? यस सर। ओके, तो पहले जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसको कॉपी करो और उसके बाद जो नोट करवाते हैं वो नोट करो। चलो नोट करो। पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज हर आइसोमर्स में दो पॉइंट नोट करवाएंगे। पहला पॉइंट नोट करो, ऑब्जर्व्ड इन केटाइनी कॉम्प्लेक्स, ऑब्जर्व्ड इन केटाइनी कॉम्प्लेक्स मतलब आयनाइजेशन आइसोमर्स केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्सेस विथ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जिसका केटायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स हो और एनायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स ना हो, इसको बोलते हैं केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आयनाइजेशन आइसोमर्स शो करेगा। और आयनाइजेशन आइसोमर्स का कौन सा प्रॉपर्टी अलग होगा? दो आइसोमर्स आयनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएगा अगर वो सॉल्यूशन में जाके अलग अलग टाइप के आयन प्रोड्यूस करें, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन इन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करें, तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स। एग्जांपल देखते हैं। सीओ एनएच थ्री बी आर एसओ फोर और दूसरा
सीओ एनएच थ्री फाइव एसओ फोर बीआर। देखो ये दोनों कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन सेम है, इनफैक्ट दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। कैसे मोलेकुलर फॉर्मूला सेम? मोलेकुलर फॉर्मूला कैसे सेम है? देखो इसमें एक कोबाल्ट, इसमें भी एक कोबाल्ट, इसमें पांच अमोनिया, इसमें भी पांच अमोनिया, इसमें एक ब्रोमीन, इसमें भी एक ब्रोमीन, इसमें एक सल्फेट, इसमें एक सल्फेट। तो मोलेकुलर फॉर्मूला वाइज तो दोनों सेम है, बट दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। कौन सी प्रॉपर्टी अलग है? दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। कौन सा प्रॉपर्टी अलग है? ये प्रॉपर्टी अलग है। ये दोनों को जब पानी में डालोगे अलग अलग टाइप के आयन प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोड्यूस करेगा सल्फेट आयन और ये प्रोड्यूस करेगा बी आर माइनस आयन, क्योंकि ये जो ब्रैकेट वाला सेक्शन है ये ब्रैकेट से तो कुछ निकलता ही नहीं है। तो इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो एक ब्रैकेट वाला सेक्शन रहेगा और एक सल्फेट आयन रहेगा। इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो एक ब्रैकेट वाला सेक्शन रहेगा और बी आर माइनस रहेगा। मतलब इसके सोल्यूशन में सल्फेट आयन थ्री रहेगा, इसके सोल्यूशन में सल्फेट आयन थ्री नहीं रहेगा, इसके सोल्यूशन में बी आर माइनस थ्री रहेगा। सेम केमिकल फॉर्म, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट एक सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है और एक सल्फेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसलिए इस दोनों कंपाउंड को आइसोमर बोले। आइसोमर इसलिए बोले क्योंकि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट आयन अलग अलग प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया, इस वजह से इसको आइसोमर्स बोल रहे हैं। और ये आइसोमर्स, इन आइसोमर्स का कौन सा प्रॉपर्टी अलग है? तो सोल्यूशन में जाके अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह का आइसोमरिज्म कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करता है? केटायनिक कॉम्प्लेक्स शो करता है। दोनों का दोनों देखो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। केटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब दोनों का केटायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स है। अब जरा गौर करो, अगर इसका सोल्यूशन ले लें, ये फर्स्ट कंपाउंड का सोल्यूशन, इसका ए नाम दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ए का सोल्यूशन ले लो और ए के एक्वस सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डाल दें। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड वाटर सोलेबल होता है। तो ए के एक्वस सोल्यूशन में, मतलब ए का पहले पानी में डिजोल्व कर दें और उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दें। बेरियम क्लोराइड एक्वस डाल दें, मतलब बेरियम क्लोराइड का भी सोल्यूशन रखो, उसको ए के सोल्यूशन में डाल दो। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी बनेगा। जबकि सेकंड वाले में, इसमें अगर बेरियम क्लोराइड डाले तो ऐसे केस में नो व्हाइट पीपीटी, कोई व्हाइट कलर का पीपीटी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपली बताओ ऐसा क्यों हुआ? इसमें Ba2SO4 precipitate बना, बेरियम सल्फेट बन गया। ये बेरियम और ये सल्फेट, सल्फेट दोनों मिलके बेरियम सल्फेट बन गया। हाँ, अब बेरियम सल्फेट वाटर इनसोल्युबल होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हाँ, सेकंड वाले में क्यों प्रेसिपिटेट नहीं बना? क्योंकि बेरियम प्लस टू तो है, बेरियम प्लस टू तो है, लेकिन सल्फेट आयन है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर में है, तो ये तो निकलेगा ही नहीं। तो कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी है कि ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं निकलता, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट नहीं बनेगा। अब ये हो सकता है कि बेरियम ब्रोमाइड बन जाए, तो बेरियम ब्रोमाइड जैसे बेरियम क्लोराइड वाटर सोलेबल होता है, वैसे ही बेरियम ब्रोमाइड भी वाटर सोलेबल होता है, तो प्रेसिपिटेट तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब जरा देख, सिल्वर का क्लोराइड कैसा होता है बताओ जरा? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट होता है। सिल्वर का ब्रोमाइड ये कैसा होता है? येलो होता है, पेल येलो, यस पीपीटी।
और सिल्वर का आयोडाइड ये कैसा होता है? येलो या ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में अगर सिल्वर नाइट्रेट दे दिए, अच्छा एक और चीज बता देते हैं याद कर लेना, AgNO3 ये क्या होता है? वाटर सोलेबल। AgNO3 क्यों? जितना भी नाइट्रेट है ना सबका सब वाटर सोलेबल होता है, जितना भी नाइट्रेट है। तो अब देखो जरा, इसके सॉल्यूशन में अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिए तो प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा बताओ जरा मेरे को। इसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिए, कैसा किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा बताओ? AgBr बनेगा सर। पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट ना। ये प्रेसिपिटेट क्या प्रूफ करता है? ये प्रेसिपिटेट ये प्रूफ करता है कि इसके सॉल्यूशन में ब्रोमाइड फ्री है। यहाँ पे जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये प्रूफ करता है कि इसके सॉल्यूशन में सल्फेट फ्री है ना। तो ये हुआ आयनाइजेशन आइसोमर, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करे, ऐसे आइसोमर्स को आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। नाम से ही बहुत हद तक क्लियर है, अलग अलग टाइप के आयंस प्रोड्यूस करे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि A and B आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। पूछा जाएगा तुमसे, बहुत पूछता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं और तुमसे पूछते हैं कि ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है या नहीं है। Cr क्रोमियम NH3 4 Cl Br NO2 and Cr NH3 4 Cl NO2 Br and Cr NH3 4 Br NO2 Cl। मेरे को बताओ ये तीनों जो कंपाउंड है ये तीनों का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है या नहीं है? Yes, sir. तीनों अलग अलग आयन प्रोड्यूस करेगा, ये क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रोमाइड प्रोड्यूस करेगा, ये नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगा, और ये आयन भी तीनों का अलग अलग है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों का तीनों आयनाइजेशन आइसोमर्स है। मतलब ये तीनों आयनाइजेशन आइसोमर्स है, ए बी और सी अगर बोले तो ए बी सी आर आयनाइजेशन आइसोमर। अच्छा, क्या इस तीनों के अलावा भी आयनाइजेशन आइसोमर्स हो सकता है इसी कंपाउंड का? नहीं हो सकता। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो ये तीनों
आयनाइजेशन आइसोमर्स है, एक मिनट, ठीक है, इसके अलावा भी कोई आयनाइजेशन आइसोमर्स होगा, सोचो जरा, या रुक जाओ, ये सोचने के पहले ये पहले सोचो कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये कैसा प्रेसिपिटेट देगा, ये व्हाइट पेल येलो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये कैसा प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट व्हाइट है ना। अब देख CO, CO, NH3, NH3, 4, ClBr, NO2, NO2, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, CO, CO मतलब कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कैपिटल सी स्मॉल ओ, एन एस थ्री फोर, सी एल एन ओ टू, एंड बाहर में बी आर, ये दोनों भी क्या होगा, ये दोनों होगा आयनाइजेशन आइसोमर, इसके अलावा yes, sir, होगा। इसके अलावा भी कोई आयनाइजेशन आइसोमर्स इसका होगा, yes, sir, इसमें सील बार okay. एक और होगा, एक और होगा CO NH3 4 और Br NO2 एंड Cl-, ये तीनों आयनाइजेशन आइसोमर्स होगा। अगर इसको ए बी सी लिखे तो ए बी सी आर आयनाइजेशन आइसोमर्स, क्या नाम है सिंपी, इसका नाम बताओ तो, इस कॉम्प्लेक्स का नाम, आईपैक नेम, पेंटामाइन ब्रो, पेंटामीन, हाँ पेंटामीन ब्रो, ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आर माइनस, ब्रोमाइड और ओ, हालांकि ब्रोमो भी चलता है लेकिन अब ब्रोमाइडो लिखना चाहिए, एनसीईआरटी करेक्ट कर दिया है कि नए कन्वेंशन के बाद ब्रोमाइड होता है, पेंटा एमीनो, पेंटा एमीन ब्रोमा, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइड ओ, ब्रोमाइडो कोबाल्ट स्पेस सल्फेट, यही ना, यस, कुछ गलती कर दिए, कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, नहीं हाँ वो ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का जो कुछ भी है, इनफैक्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ब्रैकेट में लिख दो रोमन में थ्री स्पेस देन सल्फेट, चलो ठीक। तो ये था आयनाइजेशन आइसोमर्स, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे लिंकेज आइसोमर्स पे, ये जो नीचे प्रेसिपिटेट वाला सब है जिसको मिटा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एज इट इज, ये सब चीजें पूछा जाएगा। लिंकेज आइसोमर्स, इसमें भी
दो पॉइंट नोट करना है. पहला पॉइंट नोट करो, नोट करो. ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्सेस विथ एम्बिडेंटेड लिगेंड. उस वो कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा. एम्बिडेंटेड लिगेंड कई सारा एग्जांपल हमने बताया था. सीएन माइनस भी एम्बिडेंटेड है, ओसीएन माइनस भी एम्बिडेंटेड है, एससीएन माइनस भी एम्बिडेंटेड है, C2O2S2 माइनस टू ये भी एम्बिडेंटेड है. इसका नाम है थायो ऑक्सैलेट आयन. हम बताएंगे अभी स्ट्रक्चर इसका. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमर्स तब बनेगा, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म तब शो होगा जब कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो. नहीं होगा तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा. लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगा तो जो दो अलग अलग कंपाउंड है जिसको हम लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे उसका कौन सा प्रॉपर्टी अलग अलग होगा. इसके लिए सेकंड पॉइंट नोट करेंगे. नोट करो, डिफरेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में आ गया कलर. कलर मतलब दो कॉम्प्लेक्स जब लिंकेज आइसोमर्स होगा तो उसका कलर अलग अलग होगा. कलर अलग अलग होगा ये गारंटेड नहीं है, कलर अलग अलग हो सकता है. और अगर कलर सेम रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा. मतलब क्या कौन कौन सा प्रॉपर्टी बदल सकता है? कलर चेंज हो सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया तब तो मैग्नेटिक मोमेंट बदल सकता है. मतलब आइसोमर्स मतलब क्या? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी. तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी अलग हो सकता है लिंकेज आइसोमर्स में? स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग हो सकता है जिससे मैग्नेटिक बिहेवियर बदल जाएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में हो जाएगा. मतलब एक आइसोमर पैरामैग्नेटिक है, एक डायमैग्नेटिक है, ऐसा हो जाएगा. और ये सब कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. पीटी एनएच थ्री टू ओ एन ओ टू, ये जो कॉम्प्लेक्स है. और दूसरा PT NH3 to NO2 2 और तीसरा PT NH3 NS3 2
NO2 ONO समझा हम क्या आप कहना चाह रहे हैं? ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये ONO कैसा है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो ये पहले कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और तीसरे कॉम्प्लेक्स में एक NO2 का नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक NO2 का ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। NO2 इनफैक्ट ये है NO2-, तो O N डबल बॉन्ड O माइनस, किसी किसी में ऑक्सीजन से है और किसी किसी में नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये तीनों का मोलेकुलर फार्मूला अगर देखो, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, इसमें जितना प्लेटिनम उतना ही प्लेटिनम, इसमें उतना ही प्लेटिनम, इसमें नाइट्रोजन, इसमें कौन करो, इसमें कौन करो, इसमें कौन करो, सेम, इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन करो, सेम, सब कुछ सेम, मोलेकुलर फार्मूला तीनों का सेम, लेकिन प्रॉपर्टी अलग। कौन सा प्रॉपर्टी? इसका कलर कुछ और होगा, इसका कलर कुछ और होगा, इसका कलर कुछ और होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, और नाइट्रोजन ये NO2- जब नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। लिगेंड का स्ट्रेंथ ही बदल गया कोऑर्डिनेटिंग साइट बदलने से। इसका मतलब प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड हो सकता है, किसी केस में पेयर्ड हो जाए, किसी केस में अनपेयर्ड हो जाए। ये अलग बात है कि प्लेटिनम के केस में कोई भी लिगेंड रहता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज नहीं आएगा, बट कलर बदल सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग साइट बदला है लिगेंड का, और कोऑर्डिनेटिंग साइट बदलने से लिगेंड का स्ट्रेंथ बदलता है, स्ट्रेंथ